गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि आप जानते हैं कि मकर हाल स्पीकिंग क्यू कार्ड की पीडीएफ अभी तक नहीं आई, बट बहुत ही जल्दी आपके सामने होगी। और जो भी हमें क्यू कार्ड्स पता लग रहे हैं, हम उनका सैम्पल आंसर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अब जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है क्यू कार्ड्स की। ये भी जो क्यू कार्ड आपको पीडीएफ में मिलेगा, सो अब हम इसका सैम्पल आंसर आपके सामने शेयर करेंगे। और जिन बच्चों को इन क्यू कार्ड में प्रॉब्लम है वो प्लीज़ ये क्यू कार्ड देख सकता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड का नाम है डिस्क्राइब अ गुड लॉ इन फेवर ऑफ वुमेन। कोई लॉ जो वुमेन के फेवर में लिया गया, कौन सा लॉ, व्हाट इज द लॉ, हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस लॉ, आपको कैसे पता लगा इस लॉ के बारे में, व्हाई यू लाइक इट, आपको क्यों पसंद आया ये लॉ, एंड हाउ इट इज़ इन फेवर ऑफ वुमेन, कैसे ये वुमेन के फेवर में है। तो अब हम पढ़ते हैं इसका सैम्पल आंसर। इन रीसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री हैज़ पास्ड अ लॉट ऑफ कमेंडेबल लॉ इन फेवर ऑफ सिटीजन्स ऑफ अवर नेशन। बोलते कि इन रीसेंट ईयर्स में जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री को, उन्होंने बहुत सारे जो लॉज है वो सिटीजन के फेवर में, हमारे जो नेशन है और नागरिक हैं उनके फेवर में किए गए। Although I like most of them, here I would like to speak about a law called Women Protective Law, which was brought into force by the Indian government. चाहे बहुत सारे laws जो लिए गए, but मैं उस law के बारे में बोलना चाहता हूँ जिसे बोलते हैं Women Protective Law, जो एक Indian government के द्वारा लिया गया। This law was enacted over a decade ago in order to protect married women from domestic violence. ये जो law है वो 10 साल पहले लिया गया ताकि जो women हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो जो domestic violence है, जो in-laws वगैरह तंग करते हैं, उनसे बचने के लिए ये law किया गया, protect कर किया गया जो married women है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए लॉयर हु टोल्ड मी अबाउट दिस लॉ। एक जो मेरा फ्रेंड है वो लॉयर है जिसने मुझे ये जो लॉ है उसके बारे में बताया। फर्दर मोर दिस लॉ नीडेड टू बी पास्ड बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स इन माई कंट्री वर बींग सब्जेक्टेड टू फिजिकल और वर्बल अब्यूज बाय देयर इन लॉज। तो इसके साथ साथ ये लॉ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो देश की बहुत ज़्यादा फीमेल्स या वुमेन हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके जो इन लॉज या ससुराल वाले हैं उनके द्वारा तंग किया जाता था, इसके लिए इस लॉ को जरूरत पड़ी पास करने की। दिस लॉ इनकरेज वुमेन टू अप्रोच द पुलिस एंड स्टैंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वर्बल, इमोशनल और फिजिकल अब्यूज बाय एनी ऑफ देयर इन लॉ। ये जो लॉ है वो इनकरेज करता औरतों को ताकि वो पुलिस बुला सकें और जो भी वर्बली बोलते हैं, इमोशनली उनको टॉर्चर करते हैं, गाली गलोच देते हैं, जब फिजिकली अब्यूज करते हैं ससुराल वाले, उनके खिलाफ खड़ा किया जा सके। The judge can order many different measures under this law, which includes ordering the offender to stop violence, monetary relief, custody orders and composition order. ये जो judge होता है वो बहुत ज़्यादा different measures order कर सकता है, measures मतलब solution दे सकता है इस law के under, और जिसमें होता है कि वो जो violence है वो stop कर सकते हैं, monetary जो physically verbally उनको तंग किया जाता है, custody orders दिए जाते हैं, compositions order, इन सबको रोका जा सकें। Nevertheless, I view this as one of the greatest act of this century for several reasons. तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत रीजन्स के कारण। तो रीजन्स अब बताएंगे कि क्यों। Firstly, after its passage, the rate of violence against females declined to a greater extent. तो firstly, इस जो ये लॉ पास किया गया उसके बाद जो वॉयलेंस है वुमेन्स के, जो फीमेल्स के अगेंस्ट होता है, वो कम किए गए। देन इट हैज़ एम्पावर्ड वुमेन, तो वुमेन की शक्ति को बढ़ाया गया। अर्लियर ऑफ वुमेन हैड टू फेस एंड ऑलमोस्ट डिफिकल्टीज आफ्टर मैरिज इन हर इन लॉज फैमिली। तो पहले क्या होता था, वुमेन को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था मैरिज के बाद, एंड शी हैड टू कीप क्वाइट डिस्पाइट बींग ए विक्टम बिकॉज शी वॉज हेल्पलेस। तो उन्हें चुप रहना पड़ता था बींग कि वो बिना किसी विक्टम के, क्योंकि वो उस टाइम हेल्पलेस होती थी, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता था जिसके द्वारा वो अपनी आवाज़ उठा सकें। बट टूडे बिकॉज ऑफ द लॉ शी हैज़ द पावर टू फाइट अगेंस्ट दोज प्रॉब्लम। बट आज की जो औरतें हैं उनके पास पावर है कि वो इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ खड़ी हो सकें, आवाज़ उठा सकें। All in all,
आई वुड से दिस लॉ वॉज इन नीड ऑफ द आर एंड दिस इज़ द बेस्ट लॉ दैट आई लाइक इन माई कंट्री। तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है और बेस्ट लॉ है जो मुझे बहुत पसंद है मेरी कंट्री में। सो आई होप आपको ये क्यू कार्ड अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। ऐसे क्यू कार्ड्स और इसके सैम्पल आंसर जानने के लिए आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज करके बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो वीडियो हम किस क्यू कार्ड के ऊपर अपलोड करें। थैंक